अब यार बड़ी गलत जगह से वीडियो बना रहा हूँ मैं. सो गाइस लेट्स स्टार्ट द डे. और यार देखना, एक सेकंड रुकना भाई, रुकना जाना नहीं. यहीं हूँ. हाँ तो भाई लोगों, आज का दिन शुरू करते हैं. और सो भाई अभी मतलब यार क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों से. मतलब मेरा काफ़ी मन कर रहा था कि मैं आप सबसे बात करूँ. तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. अब क्या है कि भाई डेली कॉलेज पे, मैं कॉलेज में क्या कर रहा हूँ वो सेम ही होता है पूरे टाइम का, तो उस पर क्या वीडियो बनाता मैं. लेकिन भाई कॉलेज के जाते मैं कहीं और जा नहीं सकता. तो भाई अभी मैं निकला हूँ, लगभग 10 बज रहे हैं यार. सुबह 9 बजे क्लास थी मेरी, लेकिन यार मेरे थोड़ा मैं मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है मेरा आज यार. तो अभी निकला हूँ कॉलेज के लिए. और भाई ये थोड़ा, अगर कोई थोड़ा इरिटेटिंग लगे ना, ये भाई हैंडल दिख रहा है, ये सब स्टेयरिंग दिख रहा है, हैंडल बोल रहा हूँ, स्टेयरिंग दिख रहा है. तो थोड़ा भाई इसको इग्नोर करना भाई, क्योंकि कहीं और रख के वीडियो बना नहीं सकता मैं. तो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे. तो अभी सीन कुछ ऐसा है कि भाई मेरे दोस्त का कॉल आया, भाई बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है. तो देखते हैं कितनी देर में कॉलेज पहुँचता हूँ. 9:40 हुए हैं, 9:40. और अगली क्लास मेरी 10 बजे है, वो भी छूटेगी. खैर कोई बात नहीं, उससे अगले अटेंड कर लूँगा यार. तो आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है. और वीडियो को देखते रहना, क्योंकि ये वीडियो भी एमिटी पे होने वाली है. नॉट अबाउट एमिटी, बट अबाउट माई सेल्फ. एंड डोंट नो भाई क्या होने वाला आज के दिन का. लंका तो मेरी लगी पड़ी है भाई. भाई लोग ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है, मेरे को धीरे चलानी पड़ेगी. आप ये स्कूटी देख सकते हो, ये देखो, मतलब यार बिल्कुल मैं काफ़ी देर से देख रहा था ऐसे ही. मैं चलो धीरे करके, वो टर्न ले रही है तो इस हिसाब से कर रही होगी. लेकिन भाई ये कंटिन्यू बहुत दूर से, मतलब पैर नीचे करके स्कूटी चला रही है यार सच में यार बहुत सेवेज है तो. ओ भाई यार ऐसे कौन चलाता है यार सच में यार. एक तो लड़की और वैगनार, दूसरा लड़की और स्कूटी, बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन. अरे रोकी थी बिल्कुल ही. शिट ओ फनी यार, सो फनी. सो गाइस पहुंच गया यार मैं बहुत मशक्कत के बाद. लगभग 11 बजने वाले हैं, तो एक सवा घंटा लग गया. नॉर्मली इतना ही लगता है वैसे तो यार, रोज आते तो भी. लेकिन आज बड़ा मोह था यार, बहुत अलग अलग रास्ते से घूम फिर के निकलते पहुँच ही गया. खैर अभी तीसरी अटेंड करूँगा, फिर बाद में 2 घंटे ब्रेक है. आज ब्रेक ऐसे है कि भाई आज एक टीचर है वो आज नहीं आ रहे हैं, तो उनकी क्लास की छुट्टी, और उससे जस्ट पहले मेरा ब्रेक है. तो 2 घंटे कंटिन्यू ब्रेक हो गया. तो देखता हूँ यार ब्रेक में क्या करूँगा, क्योंकि कुछ करने लायक तो है नहीं. और कल मेरी एक ऐसी क्लास छूट गई जो कि अटेंड करनी बहुत ज़्यादा कंपलसरी थी मेरे लिए. वो मेरी क्लास कल छूट गई. कल मेरे को ध्यान नहीं रहा कि वो मेरी क्लास है. मैं ब्रेक में बाहर चला गया कॉलेज, मतलब ऐसे ही मेरा थोड़ा सा ऐसे ही पता नहीं, ऐसे मन किया बाहर जाने का, मैं बाहर चला गया. और वो मैं भूल गया बाहर जाने के चक्कर में कि मेरी क्लास भी है. तो अभी जा रहा हूँ क्लास में. भूख बहुत तेज़ लगी यार. मैं दोस्त को अभी कॉल करके कह रहा था कि भाई खाना मत खा लेना, देखो अकेले मैं भी खाऊँगा, क्योंकि मैं घर से लाया नहीं हूँ आज खाना. तो भूख लगी है बहुत ही ज़्यादा तेज़, मैं कह रहा हूँ इतनी ज़्यादा तेज़ लगी जिसकी कोई हद ही नहीं. तो अभी जाता हूँ क्लास के बाहर. और मेरे पास ऐसा सच कुछ है नहीं यार, आज मैं कुछ कॉलेज के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं करने को. देखता हूँ कैसा व्लॉग बनेगा भाई, मुझे कोई आइडिया नहीं है. बोरिंग, घटिया, बेकार, पता नहीं कैसा बनेगा. बस बना रहा हूँ, जैसे तैसे बना ही रहा हूँ. तो मिलता हूँ आपको सीधा क्लास के बाहर, क्लास के अंदर भी मे भी. अभी मेरे को टीचर से मिलना है जिसकी मेरी क्लास छूट गई कल. तो वो क्या बोलता है पता नहीं, जाके देखते हैं, मिलते हैं उनसे. मैंने खाना भी खा लिया, मैंने जिस दोस्त को बोला था जाके, तो मैंने बोला था मैं आपको एक टीचर के पास जाना है. मस्त गया मैं, बैठे हुए थे अपना ईयरफोन लगा दिए, गाने पता नहीं जो भी अपना कर रहे हैं यार. मैं गया तो बोले कोई बात नहीं, अटेंडेंस लगा दूंगा मैं, टेंशन मत ले. छूट गई कोई बात नहीं. तो फिर कहते तू आराम से यार, अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ. मुझे बोलते बाहर चल जाओ. फिर उसके बाद जो क्लास चल रही थी यहाँ पे, वो मेरी मिस हो गई थी.
तो मैं निकला तो उसके बाद टीचर बाहर से निकली, फेमस हो जाएगा बता रहा हूँ। तो भाई टीचर बाहर निकली, वो निकल गई, मैं पीछे से अंदर घुस गया, फिर उसने मुझे देखा नहीं, लेकिन फिर मैं बाहर निकला तो टीचर भाई बाहर खड़ी, उन्होंने कहते तुम तो क्लास में आए नहीं थे, मैं दोस्त के साथ था। तो फिर कहती कि भाई तुम तो डिबार हो जाओगे, मतलब तुम पेपर नहीं दे सकते। मैं कैसे, मैम 60% अटेंडेंस है। बहुत आगे की सोच रहे हो। तो मैं भाई आगे की तो सोचनी पड़ेगी और क्या। ओ मैम सर आ गए, आई विल सी यू इन अ वाइल, इन अ वाइल नो एक घंटे बाद। तो भाई अभी क्लास ओवर हो गई है, अब है 2 घंटे का ब्रेक, अब समझ नहीं आ रहा बाहर घूमने जाऊँ, सब बोल रहे हैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाने का, लेकिन भाई समझ नहीं आ रहा क्रिकेट तो मैं तो खेल नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में दर्द है यार, मेरे हाथ में लगी हुई है चोट, तो मैं खेल नहीं सकता। तो अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई जाके बैठ जाऊँ कहीं पे, या फिर घूम फिर लूँ कॉलेज में, ग्राउंड में बैठ के क्रिकेट खेले मैं देख लूँ खेलते हुए, उसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। सो गाइस प्लान इज दैट कि अभी ग्राउंड में जा रहे हैं और वहाँ पर सारी क्लास वाले क्रिकेट खेलेंगे, तो थोड़ा सा जाके टाइम पास कर लेते हैं, वहाँ पर 2 घंटे हैं, मैं तो कभी गया ही नहीं यार आज तक, मुझे पता ही नहीं ग्राउंड किधर पड़ता है। तो अभी जाके और वहाँ पे देखते हैं, भाई पहली बार विजिट कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है कोई नए इलाके में जा रहा हूँ, नई बस्ती में। तो और थोड़ा यार लो साउंड कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। थोड़े टाइम में आपको आगे किसी वीडियो में मैं बता दूँगा। पहली बात तो मैं इस वीडियो में एक चीज़ बोलना चाहूँगा अबाउट माई पेरेंट्स, तो कि भाई मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो मतलब मैंने देखा है कि मैं बिल्कुल यहाँ थे हम लोग, उन्होंने मुझे यहाँ तक मतलब हमें यहाँ तक पहुँचाया है। अब मैं मेरा अंदर मतलब इसी बात को सोच के मैं थोड़ा सैड फील कर रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे उनको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, मतलब उनकी मेहनत को ऊपर लेके जाना है, तो मैं वो काम मतलब कोशिश कर रहा हूँ यार कि मैं कुछ करूँ ऐसा, इसी वजह से मैं बस लगा पड़ा हूँ हर काम करने में, पता नहीं जो भी है, लेकिन मैं मम्मी पापा आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो वीडियो ये, तो इस पता नहीं क्यों आज कल रात से सोच रहा हूँ मैं ये चीज़ बैठ के बस, कि भाई मतलब हम इस लायक है कि जो मतलब आज हमारे पास जो भी है आप लोगों की वजह से है हमारे पास, तो और बस कुछ नहीं है बोलने के लिए, देखते हैं अभी सब लोग यहाँ पे, बहुत लोग खेल रहे हैं यार, देखिए आप लोग। भाई गेम चल रहा है यहाँ पे, तो जो चीता बन रहा था ना वो एलियन लौट गया, आउट हो गया, हर्षित राठी @ आउट हो गया। बोर हो गया बहुत ही ज्यादा यहाँ पे, मजा नहीं आया बिल्कुल। और भाई अभी यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था, पोपट हो गया मेरा अपने आप ही, कि भाई क्या बोलते हैं, मैंने देखा, मैंने एप्लीकेशन खोली वीडियो बनाने के लिए एप्लीकेशन खोली, तो उसमें क्या हुआ कि वीडियो का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्यों कि भाई फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई, तो उसमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते भाई, धप्पा। तो फिर अब मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा एकदम से ऐसे देख के डिलीट क्या करूँ, कि भाई क्या क्या काट दूँ उसमें से। तो फिर मैंने देखा थोड़ी बहुत कुछ ऐसी आलतू फालतू सामान पड़ा था, काटा मैंने, अभी भी पूरा फुल्ली पड़ा है, देखता हूँ भाई इसमें कहाँ जगह बनाऊँगा, कहीं पे भी वीडियो ख़त्म करनी पड़ सकती, क्या पता सीधा घर पहुँच जाऊँ यहाँ से। तो अभी आधा पौना घंटा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कार में जाके बैठ जाऊँ, थोड़े गाने वाने सुन लूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा यार बिल्कुल भी। तो भाई लोगों सुस्ती हो गई इतनी ज़्यादा कि नींद ही आ रही थी बिल्कुल ही, तो हम लोग आके बैठ गए यहाँ पे, 15-20 मिनट हैं फिर जाएंगे वापस क्लास है, 2 घंटे निकल गए पता ही नहीं लगा, और भूख लग रही है, थोड़ा सा खाया था सुबह, अभी देखें शायद कुछ खा लेते हुए निकलो फिर क्लास के लिए, यार लास्ट क्लास मजबूरी है, नहीं तो मैं आज कॉलेज ही नहीं आता यार, क्या यार अटेंडेंस, भाई एडमिशन मत लेना यार यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ मर जाओ इस साल अटेंडेंस पूरे करते करते। अबे यार अधमरे हो गए यहाँ तो, हालत निकल गई भाई, 4 बज गए और अभी एक क्लास बाकी है, मेरे सारे दोस्त ना इतने हराम ही हैं, सारे छोड़ के भाग गए, अभी उनका ये अभी मेरी क्लास चली थी उनका ब्रेक था, इसके बाद एक और क्लास है, तो वो साला वो भी उन्होंने छोड़ दिया, उनकी तो अटेंडेंस है
मेरे अटेंडेंस नहीं साले रुके ही नहीं चले गए पैसा अभी बोर हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा क्या करूँ यार और टीचर भी क्लास कैंसिल नहीं करता नींद आ रही है लेकिन कुछ कर नहीं सकते घर जाने का मन कर रहा है लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर सकते बहुत ना इंसाफी है भाई बहुत ना इंसाफ तो फाइनली भाई लास्ट क्लास थी जो तो जो टीचर था वो एब्सेंट था तो उसकी जगह सिर्फ जल्दी से अटेंडेंस ली और फिर छुट्टी हो गई है तो अभी मैं लगभग 45 मिनट पहले छोड़ गया हूँ तो फटाफट घर जा रहा हूँ अब यार तो बस यही पूरा दिन ऐसे ही निकल गया पता ही नहीं लगा मुझे भाई बस मूड सा ऑफ था तो मैंने सोचा यार थोड़ा बोल लूँ क्या पता अच्छा लग जाए तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना ली मैंने अगर भाई थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को क्योंकि भाई थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है मुझे भी तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार अगर कोई नया हो तो और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द कुछ और लेके आऊँगा अच्छा सा बाय बाय You